प्यारे बच्चों, कल आप लोगों की मैथमेटिक्स टर्म 2 की परीक्षा है, तो एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ उन इम्पॉर्टेंट टिप्स को जो आप कल परीक्षा देते समय ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप अच्छी तरीके से आज नींद लें, और कोई भी नया टॉपिक, नया क्वेश्चन ना लें जो आपको अभी कंफ्यूज कर दे। जब आपको कल क्वेश्चन पेपर मिले तो उस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम को आप बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। ऐसे शब्द जहां पे एरर या गलती की पूरी संभावना है उसे अंडरलाइन करें। मैं एग्जांपल के तौर पे देती हूँ कि जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 12 एंड 2500, या क्वेश्चन है फ्रॉम 12 एंड 2500, तो दोनों में फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएंगे, तो इसका ध्यान रखें। कभी कभी आप बहुत एक्साइटेड होकर गलतियां कर बैठते हैं। अगर हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के टॉपिक पे जाएं, तो दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक ही सवाल पे हो सकता है सिलेंडर का रेडियस दिया हो और कोन का डायमीटर दिया हो, तो आप ये ध्यान रखेंगे और डायमीटर को किसी फॉर्मूला में लगाते हुए आप रेडियस में चेंज करेंगे। कभी कभी जल्दबाजी में आप उस डायमीटर को ही रेडियस लेकर बना देते हैं और आपकी गलती शुरू में ही हो जाती है, या हो सकता है कि एक यूनिट हो डेसीमीटर में हो और दूसरा मीटर में हो, तो आपको सबसे पहले एक यूनिट में चेंज करना जरूरी होगा। आंसर अगर यूनिट है, जैसे स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस में भी मीन मीडियन मोड बनाते हुए अगर कुछ एज दिया हो तो हमारा यूनिट ईयर्स में आएगा, या कोई और भी क्वेश्चन जैसे हो जिसमें यूनिट हो, तो आप उसे लिखना ना भूलें। कंस्ट्रक्शन के सवालों में स्टेप अधिकतर लिखने नहीं आते हैं, पर आप केवल कंस्ट्रक्शन बनाकर ही नहीं छोड़ दें। कौन सा टेंजेंट है या आपने लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया है उसे जरूर मेंशन करें। मीन मीडियन मोड का करेक्ट फॉर्मूला लगाएं। कई बार आप गलत फॉर्मूला लगा करते हैं और शुरू में ही आपकी गलती हो जाती है। तो अगर कोई मेथड मेंशन किया हो, जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या मीन फाइंड आउट मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, तो आप उसी मेथड को यूज करें। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है, सॉल्व लिखा है, तो आप कोई भी मेथड से यूज कर सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो दिखने में भारी भरकम लगते हैं, पर एक्चुअली आप उसके मैथमेटिकल पार्ट को ध्यान दें तो बहुत इजी है। उसे ध्यान से पढ़ें और फिर उसे सॉल्व करें। हाइट एंड डिस्टेंस या ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, जो सर्कल के क्वेश्चन है, फिगर बनाना ना भूलें। फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, फिर भी आप उसे अच्छी तरह से बनाकर लेबल करें। हाइट एंड डिस्टेंस के केस में आप ध्यान रखें कि कौन सा 30 डिग्री और 45 डिग्री या एंगल कैसे होंगे, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें तो आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो आप जो 15 मिनट्स टाइम है उसको अच्छी तरह से उसका पूरा सदुपयोग करें और सावधानी से अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।